बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो पार्ट नंबर 1 है, वाई इज इक्वल टू 2, आवर मॉडुलस एक्स माइनस 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें वैल्यू चाहिए, तो इस इक्वेशन से हम मुख्तलिफ वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट में ज़ीरो से रहता हूँ, ये हमारे साथ एक्स है और ये हमारे साथ वाई है। अगर एक्स की जगह हम ज़ीरो पुट कर लें तो ज़ीरो माइनस थ्री हमारे साथ माइनस थ्री बनता है। और अभी आपको पता है कि मॉडुलस या एब्सोल्यूट जब आ जाए तो माइनस और प्लस दोनों का रिजल्ट प्लस होगा। तो माइनस थ्री मॉडुलस का मतलब यह है कि प्लस थ्री, और थ्री जब टू से मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे साथ सिक्स आता है। एक्स की जगह अगर हम वन पुट कर ले तो वन माइनस थ्री से आता है माइनस टू, माइनस टू का मॉडुलस प्लस टू है और टू टू जार फोर। अगर हम टू पुट कर ले तो टू माइनस थ्री हमारे साथ माइनस वन के बराबर है, माइनस वन मॉडुलस इज इक्वल टू प्लस वन, और टू से मल्टीप्लाई कर ले तो टू बनता है। एक्स की जगह अगर हम थ्री पुट कर ले, थ्री माइनस थ्री ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो मॉडुलस इज इक्वल टू ज़ीरो और मल्टीप्लाई बाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स की जगह अगर हम फोर पुट कर लें तो फोर माइनस थ्री से वन बनता है, वन मॉडुलस इज इक्वल टू वन, और वन टू जार टू। अगर हम फाइव पुट कर लें, फाइव माइनस थ्री टू, और टू टू जार फोर। इसी तरह अगर हम एक्स की जगह माइनस वन पुट कर लें, माइनस वन माइनस थ्री से माइनस फोर बनता है, और माइनस फोर का मॉडुलस प्लस फोर के बराबर है, और फोर टू जार एट। इसी तरह अगर हम माइनस टू पुट कर लें तो माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव बनता है, माइनस फाइव का मॉडुलस प्लस फाइव, और फाइव टू जार टेन। इसी तरह अगर हम माइनस थ्री पुट कर ले तो माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस सिक्स, माइनस सिक्स का मॉडुलस प्लस सिक्स, और सिक्स टू जार ट्वेल्व। अगर हम माइनस फोर पुट कर ले एक्स की जगह तो माइनस फोर माइनस थ्री से माइनस सेवन बनता है, माइनस सेवन का मॉडुलस प्लस सेवन, और सेवन टू जार फोर्टीन। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये हमारे साथ x x डैश, ठीक है, और ये हमारे साथ y, और y डैश नीचे है। ठीक है, y के सारे रिजल्ट पॉजिटिव आते, इसलिए मैंने ये नेगेटिव में कम ड्रा किया। ठीक है, अब जब मैंने ज़ीरो फुट कर दिया, ये परस करें, ये फाइव तक है और ये फोर्टीन तक है, y पे फोर्टीन तक है। तो परस करें, ये हमारे साथ टू है, ये फोर है, आप ग्राफ पेपर पर भी ड्रा कर सकते हैं। सिक्स है, ये एट है, ये टेन है, ये ट्वेल्व है, और ये हमारे साथ फोर्टीन है। इस तरह एक्स एक्सिस पे ये हमारे साथ वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, और ये हमारे साथ फाइव है, ये हमारे साथ सिक्स है, ये सेवन है, और ये हमारे साथ सेवन तक काफ़ी है। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस वन है, ये माइनस टू है, ये माइनस थ्री है, ये माइनस फोर है, ये माइनस फाइव है, ये माइनस सिक्स है। ठीक है, अगर हम जब हमने ज़ीरो पुट कर दिया तो हमारे साथ सिक्स, मतलब ये फोर आ गया। जब हमने वन पुट कर दिया तो वन पे हमारे साथ फोर आ गया, मतलब ये फोर आ गया। टू पे हमारे साथ टू आ गया, मतलब ये फोर आ गया। थ्री पे हमारे साथ ज़ीरो आ गया, और फोर पे हमारे साथ टू आता है, फोर पे हमारे साथ टू आता है, ये ज़ीरो। ठीक है, फाइव पे हमारे साथ फोर आ गया, मतलब इसके बिल्कुल। ठीक है, इस तरह माइनस वन पे हमारे साथ एट आ गया, ये ज़ीरो। ठीक है, माइनस टू पे हमारे साथ टेन आ गया, माइनस थ्री पे हमारे साथ ट्वेल्व, माइनस थ्री पे हमारे साथ ट्वेल्व और माइनस फोर पे, मतलब इस तरह ग्राफ स्ट्रेट लीनियर इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट। अगर आप ये बिल्कुल सही ड्रा करें तो आपके साथ इस तरह ग्राफ आएगा, इस तरह ग्राफ। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन करो नहीं हुआ, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमारे साथ स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसी के साथ पार्ट नंबर फर्स्ट का ग्राफ हमारे साथ बन गया। अब हम पार्ट नंबर टू की तरफ जाते हैं।
पार्ट नंबर टू हमारे साथ है y इज इक्वल टू 4m(x-3), y इज इक्वल टू 4x-3 मॉडुलस प्लस 3। तो इसमें भी हम x और y की मुख्तलिफ वैल्यू मालूम करते हैं। ये हमारे साथ x, ये y, ठीक है। हम स्टार्ट लेते हैं 0 से, तो 0 अगर हम यहाँ पे पुट कर ले तो 0-3 से हमारे साथ -3 बनता है। -3 का मॉडुलस प्लस 3 है, तो 3 4 12 और 12 + 3 हमारे साथ 15 बनता है। इसी तरह अगर हम 1 पुट कर ले तो 1-3 से -2 बनता है, -2 मॉडुलस प्लस 2 के बराबर है, 2 4 8 8 + 3 11। इस तरह अगर हम 2 पुट कर ले, 2-3 से -1 आता है, -1 का मॉडुलस प्लस 1 के बराबर है, 1 4 4 4 + 3 7। इसी तरह अगर हम 3 फूट कर लें, 3-3 0, 0 × 4 0 और प्लस 3। इसी तरह अगर हम 4 फूट कर लें तो 4-3 से 1 आता है, 1 4 4 + 3 7। इस तरह अगर हम 5 फूट कर लें तो 5-3 2, 2 2 8 8 + 3 11। इसी तरह अगर हम -1 फूट कर लें तो -1-3 से -4 बनता है, -4 मॉडुलस + 4 के बराबर है, 4 4 16 16 + 3 19। इस तरह अगर हम -2 फुट कर लें तो -2-3 से -5 बनता है, -5 मॉडुलस + 5 के बराबर है, 5 4 20 20 + 3 23। इसी तरह अगर हम -3 फुट कर लें तो -3-3 -6, -6 मॉडुलस + 6 के बराबर है, 6 4 24 24 + 3 27। ठीक है, तो इसका भी ग्राफ बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, हमने 0 1 2 3 4 5 तक हम चले गए। ठीक है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, तो 0 पे हमारे साथ आ गया 15। तो फर्ज करें ये हमारे साथ ये 0 फॉर्म है, और इसी तरह ये फॉर्म 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 12 है, ये 15 है। ठीक है, ऊपर 18 21, और यहाँ पे 21 है, और बिल्कुल ऊपर 27 है। ठीक है, मतलब 21 है, यहाँ पे 24 है, और यहाँ पे 27, मतलब इस तरह जाता है। ठीक है, तो 0 पे हमारे साथ 15, मतलब ये फॉर्म आ गया। 1 पे हमारे साथ 11, मतलब यहाँ आ गया, 1 पे हमारे साथ 12 की थोड़ा नीचे। ठीक है, तो 1 पे हमारे साथ ये फॉर्म आ गया। 2 पे हमारे साथ 7, तो 9 से नीचे। ठीक है, और 6 से ऊपर। 3 पे हमारे साथ 3 आ गया, मतलब ये फॉर्म आ गया, 3 पे हमारे साथ ये। 4 पे हमारे साथ दोबारा 7 आ गया, इसकी वीडियो स्ट्रेट में। 5 पे हमारे साथ 11 है, ठीक है। -1 पे हमारे साथ 19 है, -1 पे हमारे साथ 19 इधर कहीं होगी। ठीक है, -2 पे हमारे साथ 23, -3 पे हमारे साथ 27। ठीक है, तो हमारे साथ इस तरह स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इसी तरह। ठीक है, यहाँ पे कहीं टच होगा। ठीक है, बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, और इसी तरह स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे साथ इसका ग्राफ बन गया। इस तरह मैंने रफ ड्रा किया, आप A4 पेज पे ड्रा करें तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है y इज इक्वल टू 5 3t - 7 मॉडुलस -2, ये +7 है और -2। ठीक है, तो इसको हम t और y की मुख्तलिफ वैल्यू देते हैं।
यहाँ पे टी है और यहाँ पे हमारे साथ वाई है। स्टार्ट हम जीरो से लेते हैं, अगर हम जीरो फूट कर लें तो हमारे साथ आएगा जीरो प्लस सेवन से सेवन, सेवन फाइव जार 35, 35 माइनस टू से आता है 33। इस तरह अगर हम वन फूट कर लें तो थ्री वन जार थ्री प्लस सेवन टेन, टेन फाइव जार 50, 50 माइनस टू 48। इस तरह अगर हम टू फूट कर लें तो थ्री टू जार सिक्स, सिक्स प्लस सेवन 13, 13 फाइव जार 65, 65 माइनस टू 63। मतलब इनमें 15, 15 का डिफरेंस है, ठीक है। इस तरह अगर हम 3 पुट कर लें तो ये हमारे साथ 78 आएगा। 3, 3 जार 9, 9 प्लस 7 16, 16 फाइव जार 80, 80 माइनस टू 78। इस तरह अगर हम 4 पुट कर लें 5, ठीक है, तीसरा 4 पे हमारे साथ ये आ जाएगा 93, 5 पे हमारे साथ आ जाएगा 108, ठीक है। 15, 15 का डिफरेंस है। इस तरह अगर हम माइनस 1 फुट कर लें तो माइनस 3 प्लस 7 से 4 बनता है, 4 फाइव जार 20, 20 माइनस 2 से 18 बनता है, ठीक है। इस तरह अगर हम माइनस 2 फुट कर लें तो माइनस 6 प्लस 7 1, 1 प्लस 7 3, 2 जार 3 माइनस 2 जार माइनस 6, माइनस 6 प्लस 7 1, 1 फाइव जार 5, 5 माइनस 2 से हमारे साथ 3 बनता है। इस तरह अगर हम माइनस 3 पुट कर लें तो 3 माइनस 3 जार माइनस 9, माइनस 9 प्लस 7 माइनस 2, माइनस 2 मॉडुलस हमारे साथ प्लस 2 के बराबर है, 2 फाइव जार 10 और 10 माइनस 2, अगर हम माइनस 3 पुट कर लें तो माइनस 9, माइनस 9 प्लस 7 माइनस 2, माइनस 2 मॉडुलस प्लस 2 के बराबर है, 2 फाइव जार 10, 10 माइनस 2 से हमारे साथ 8 आता है। इस तरह अगर हम माइनस 4 पुट कर लें तो माइनस 12 प्लस 7, माइनस 12 प्लस 7 माइनस 5, माइनस 5 मॉडुलस प्लस 5, 5 फाइव जार 25, 25 माइनस 2 से हमारे साथ बनता है 23, 25 माइनस 2 से हमारे साथ बनता है 23, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ हम ड्रा करते हैं, स्ट्रेट ड्रा करते हैं, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, ठीक है। तो 0 पे हमारे साथ 33, यहाँ पे हमारे साथ 108 तक भी रुक गई है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये एक्स एक्स डैश और ये वाई और नीचे वाई डैश है, इसको मैं 20, ये हमारे साथ 40 हो गया, ये हमारे साथ 60। ग्राफ पेपर पे आप सही ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, 100, ये 120। 0 पे हमारे साथ 33 है, मतलब इस इधर का ही होगी, ठीक है। इसी तरह 1 पे हमारे साथ 48 है, तो इस यहाँ पे होगी, ठीक है। इस तरह 2 पे हमारे साथ 63 है, तो 63 इसके ऊपर होगी, ठीक है। इस तरह 3 पे हमारे साथ 78 है, ठीक है। इस तरह 4 पे हमारे साथ 93 है, इस तरह 5 पे हमारे साथ और यहाँ पे है 1, 1 यहाँ पे है, 1 पे हमारे साथ 48 है, ये 40 है, 1 पे हमारे साथ 48 है, 2 पे हमारे साथ 63 है, 3 पे हमारे साथ 78 है। स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रा कर ले और 7 स्ट्रेट लाइन 78 से। 4 पे हमारे साथ 93 है, 5 पे हमारे साथ 108 है, ठीक है। इस तरह माइनस 1 पे 18 है, माइनस 1 पे हमारे साथ 18 है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन यहाँ से माइनस 2 पे हमारे साथ 3 है, यहाँ पे होगी, ठीक है। माइनस 3 पे हमारे साथ 8 है, 8 यहाँ पे होगी। माइनस 4 पे हमारे साथ 23 है, ठीक है। तीसरा ग्राफ बनेगा यहाँ पे, इस इधर किसी पॉइंट पे 0 होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और इस तरह लाइन आएगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ
इस ग्राफ का, इस फंक्शन का ग्राफ होगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम इस क्वेश्चन के आखिरी पार्ट पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। फोर हमारे साथ है y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 एक्स प्लस 3 प्लस 1। तो जीरो पे पहले हम एक्स के लिए जीरो पुट करते हैं, ये एक्स है ये वाई है। तो अगर हम एक्स जीरो पुट कर ले तो 4 0 4 0 प्लस 3 3, 3 2 6 6 प्लस 1 7। अगर हम 1 पुट कर ले तो 4 1 4 प्लस 3 7, 7 2 14 14 प्लस 1 15। अगर हम 2 पुट कर ले तो 2 4 8 8 प्लस 3 11, 11 2 22 22 प्लस 1 23। इस तरह अगर हम 3 पुट कर लें तो 3 4 12 12 प्लस 3 15 15 2 30 30 प्लस 1 31। इस तरह अगर हम 4 पुट कर लें 4 4 16 16 प्लस 3 19 30 19 2 38 38 प्लस 1 39। इस तरह अगर हम 5 पुट कर लें तो इस पे आएगा 47। 4 5 20 23 23 2 46 प्लस 1 47। इस तरह अगर हम माइनस 1 पुट कर लें तो माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, माइनस 1 मॉडुलस प्लस 1 के बराबर है। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 आता है, 2 प्लस 1 से हमारे साथ 3 आता है। अगर हम माइनस 2 फूड कर लें तो 4 2 माइनस 8, माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5, माइनस 5 मॉडुलस प्लस 5 के बराबर है। 5 2 10 और 11। ठीक है, इस तरह माइनस 3 पे हमारे साथ 19 आएगा, माइनस 4 पे हमारे साथ 27 और माइनस 5 पे हमारे साथ 35। ठीक है, हम चेक करते हैं 4 5 माइनस 20 माइनस 20 प्लस 3 माइनस 17 माइनस 17 माइनस 10 प्लस 17 17 2 34 34 प्लस 1 35। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमारे साथ 0 1 2 3 4 5, ये एक्स है, एक्स डैश है, ये वाई है और नीचे वाई डैश है। माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। अब 0 पे हमारे साथ 7 है, तो ये मेरे साथ 10 हो गया, ये 20 ये 30 ये 40 और ये 50। तो 0 पे हमारे साथ 7 है तो 7 यहाँ पे होगा। 1 पे हमारे साथ 15 है, ठीक है, तो 1 पे हमारे साथ यहाँ पॉइंट होगा। 2 पे हमारे साथ 23 है तो 23 यहाँ पे होगा, ये पॉइंट होगा। 3 पे हमारे साथ 31 है, फोर पे हमारे साथ 39 है, फाइव पे हमारे साथ 47 है। ठीक है, तो हमारे साथ अब इस तरह माइनस 1 पे 3 है तो 3 यहाँ पे होगा, माइनस 2 पे 11 है तो 11 यहाँ पे, माइनस 3 पे 19 है, माइनस 4 पे 27 है और माइनस 5 पे 35 है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ इधर 0 किसी पॉइंट पे आएगा, माइनस तक नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है। और इसी तरह इस तरह ग्राफ बने। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 हमारे साथ सॉल्व हो गया, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।